अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खरीत से होंगे। आप जहाँ कहीं से भी मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। एंड एक दफ़ा फिर हम अपना व्लॉग यहाँ मदीना हलाल मीट से शुरू करेंगे। ये टाउन का वन ऑफ द बेस्ट हलाल स्लॉटर है, जहाँ से आपको हर तरह की जो मीट है फ्रेश मिलता है और आप अपने सामने इसे लाइव करवाते हैं स्लॉटर। सो लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड आउट आज हम यहाँ पे क्या शॉपिंग करते हैं। और रमज़ान में लास्ट टाइम मैंने यहाँ चक्कर लगाया था। सो हियर वी आर अगेन। इसको आप अमेरिका की बकरा मंडी कहें, फार्म कहें, यू कैन नेम एनीथिंग। बहुत से फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि एक दफ़ा फिर उनको मैं इस जगह का विज़िट करवाऊँ। सो हियर वी आर अगेन। यहाँ पर एडवांटेज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको अब हर चीज़ हलाल स्लॉटर अपनी आंखों के सामने किया हुआ मिल जाता है। शुरू में जब मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे आई थी उतनी एडवांटेज आज यहाँ पर उन्होंने गाइड को भी स्लॉटर गाय को हलाल करना है। सो उसको एंगल उसको अंदर फिक्स करके फिर आपको जमा कर देते हैं। तो बाकी यहाँ पे ये जो फार्म की ब्रीडिंग है ये यहाँ से दूर स्टेट्स होती हैं कुछ, जैसे मैरीलैंड है, वर्जीनिया हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, वी आर राइट हियर इन न्यू जर्सी, लेकिन ये वहाँ दूर स्टेट्स होती लाइक प्रॉपर ब्रीडिंग होती है और पूरा जो फार्मिंग डॉक्टर्स वगैरह चेक करते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है जानवरों को, उनका वैक्सीनेशन होती है, गुड फूड इनको जो दिया जाता है खाने के लिए। सो दिस इज़ वेरी हेल्दी। बट ये जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं वो बात कर रहे हैं। Do you female? Yes. Okay. It's small. Okay, 65. Okay. ये वाली है। कितने वेट की है ये? 67, 65. Female, female. No, 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 no. Year, how old? Maybe 2 years, 1.5 years. Too old. No, can't see the teeth. He old. Yeah, that's a good one. It looks big. बड़ी लग रही है। जान के नहीं आऊं। हाँ। Oh, too big. No. Too big. ना too big है। Somebody else. नहीं, ये वाली ये वाली लकड़ी ले। ना मैं तो नहा की थी नहीं। नो दिस नो मिंग ये नहीं मैंने सिखाओ, उसके दांत बहुत बड़े हैं। मुझे नहीं पता, वो मैंने पिक नहीं किए, वो खुद ही ले गए हैं दुकान के लिए। अच्छा, एक
हाँ वही वो गोट के लिए, दुकान के लिए। हाँ ये वाली अच्छी है अली, जेड़ी भी है ले लो, ये कितना अच्छा। क्या वो पूछ लो ना, एब्रॉन भी चंगी जाए। या नो मेल फीमेल ही ड्रॉन विद सो मेनी टुडे। ब्राउन ब्राउन दिस ब्राउन गिव मी वन गुड वन। फीमेल फीमेल केड़ी वाली लेकिन समान तो कितना छोटा छोटे छोटे रिजो नोटिंग अभी वो ये नोटिंग सही दे दिस दिस वाइट्स दे बॉय और गर्ल फीमेल लव दिस ने बहुत बड़ी इसमें सिंग बड़े हैं। हाँ खसी तन खसी तो तुझे लेना एडा वडा दिस वन चंगी लग रही है मैं। हाँ तो आपको ना छोटी पसंद है ना बड़ी, क्या पसंद है आपको? मैं कुड़ी लग रही है। तो आप बकरा क्यों नहीं लेते? बकरा क्यों नहीं पसंद आपको? वो वाला और इतना आप बकरे इतने आप ना लिया ना तो फिर आपकी मर्जी है। कोई पसंद ये वाला जो जिसका ब्राउन मुंह है ये नहीं अच्छी? आहो ब्राउन एंड चिटा उसका ये बहुत बड़ा था, ये वाला बहुत बड़ा था। For you? हमें देखो वो तेरे देखा ठीक है, छोटे लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं ठीक है, अभी सही है, बिल्कुल ठीक है।
लीवर है आपके पास? लीवर किसी का भी दे दे, आपका लीवर है, आपका आपका लीवर, आपका लीवर किधर है? नहीं, बकरे का या गाय का? गाय का लीवर, गाय कर रहा है, कर रहा है। आपने सर सेव रखना है, देना नहीं किसी को, लीवर देना नहीं किसी को आपने, है लीवर चाहिए? हाँ, गाय का, बकरे का भी आपने किया ना अभी, आपने रखना बकरे का, दो में ही बकरे का भी। ओ कहता बकरा भी उन्हें किया ते गाय का भी, दोनों ले लो। ये देखें, हम अमेरिका की बकरा मंडी में खड़े हैं और आपको कौन सा बकरा चाहिए आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी बकरा लाइक कर सकते हैं। आहो सही है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 62 था तो 30 सोएगा, हाफ आप निकालोगा उसका निकल जाएगा स्किन एंड अदर थिंग। क्या? हाँ, नो नो नो, रिकॉर्डिंग।
छोटा सा ही मग रहा है, छोटा सा ही है। या दोनों रख लिए, तो बॉडी भी आएगी। नहीं नहीं कहता कि दोनों कुछ मानी कि दोनों लाइट बल्ब रख लिए। चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया वैसे खड़ा है आप उसे देखते रहे कितना बज रहा है, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे मेरे को बटन का सीओ छोटी छोटी चौक अभी ठीक है। ओ फ्रंट वाली दो लता ने अब या स्टॉप इट ऑलवेज लिवर रीसेल्स को लीव में ओके या वो वो लिवर भी डाल दे बकरे का पहले वाला जो है किधर पता नहीं शायद ये लिवर बकरे का, हाँ बकरे का वो कहा था मैंने पहले बोला आपको या जी सुबह क्या है ओ ये भी देखा हल्दा हिलदा पे हले तक फ्रेश वेरी फ्रेश लाइव नो फ्रोजन बैक लेग क्यूब एंड द फ्रंट लेग जस्ट फोर पीस हाँ
ये बकरा ने कितना भी अच्छा ये बकरा पहले से ये भी अच्छा हाँ लाल ये बैक लेग चेक करें इसके और ले लो बैक लेग कटवा लेना ये चाहिए बकरे का एक अपने बकरे का ये इसकी कोई अच्छी प्राइस दोनों दे देंगे क्या 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 व्हाट डिलीवर व्हिच वन गाय का नो प्रॉब्लम ये आप इसका तो बेस्ट रेट करके दोनों दे दें बैग बैग ना यार कम ऑन हाँ क्या हुआ नाइन लगा लो नाइन दोनों दे दो कम ऑन देखे हाफ एंड हाफ निकलता है 62 का बकरा लिया 35 टोटल निकला है I told him this both of them. This one is sold. जब आपने गाय की थी हमने जब आपने गाय की थी हमने कहा था रखना है गाय का लीवर रखना आपने कहा था ना है कितना चाहिए कितने का पाउंड है वो $4 $4 $2 जी
और ये देखिए अब आधा वो बता पिछली दो नहीं अच्छा लग रहा है और आप यहाँ इन्होंने बोर्ड पे पूरी इंस्ट्रक्शन लगाई हुई हैं कि इनके पास किस तरह के मीट हैं, डक है, टर्की, पिजन, अंडे, सारी चीज़ें फ्रेश फार्म से लेके आते हैं। और यहाँ पे हमने चिकन का भी ऑर्डर दिया था, सो चिकन की भी देखें कितनी लंबी लाइन्स लगी हुई हैं। उसको भी मुझे तकरीबन घंटा लगा था उसने बना के दिया जब चिकन, और उसके भी हमें वेट करना पड़ा पूरा। और यहाँ पे मुर्गियाँ हैं, ब्रॉयलर हैं, देसी चिकन है, उसमें ये आपको पर पीस देते हैं और पर पाउंड भी देते हैं। इसमें जो पर पाउंड है वो $3.75 का था, और एक जो चिकन है उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली लाइक 5 pounds हो जाता है, सो वो आपको $20 का पड़ जाता है, 30 से करीब एक ऊपर पड़ जाता है। और यहाँ पर लोगों ने अपने ये इन्होंने अपने बिजनेस कार्ड्स हैं डोनेशंस के लिए, मस्जिद के लिए इन्होंने बॉक्सेस रखे थे, ओके थैंक यू। ये जो लोग अपना डोनेशन करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो वो इनमें पैसे डाल देते हैं। सो यहाँ पे वीकेंड पे स्पेशली ये स्टोर बहुत ही बिजी होता है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं वो फिर नहीं आ सकते। सो वी वर वेटिंग फॉर आवर चिकन ऑर्डर। ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे इनका जो काउंटर है। हमारा ऑर्डर ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था, सो उन भाई ने कॉल की कि आप अपना ले जाइए। ठीक है, आपको याद करते हैं, आप किधर हैं, गायब भी हो गए हैं। ओके और थैंक। और यहाँ पे हम चेकआउट करने के लिए रेडी थे, हमारा बिल बन गया $453, इज़ क्वाइट बिट ऑफ एक्सपेंसिव। यहाँ अमेरिका में भी बहुत महंगाई हो गई है, हर चीज़ जो पहले $10 की थी वो अब 30-40 के करीब जाती है, इट्स लाइक मोर देन अ डबल। और ये अगर आप देखें $453 को आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ 280 अगर जा रहा है, तो ये तकरीबन बन जाएगा 1,26,000। सो यहाँ जो हमने बकरा लिया है ये इतना कोई वो बहुत वेट का नहीं था, लेकिन जो पाकिस्तान में चीज़ आती है 1,26,000 में आप लें तो कितना कुछ आ जाता है। और ये हमें उस प्राइस में आप देख सकते हैं कि 4 bags हमें मिले हैं ये, सो विच इज़ स्टिल इसमें एक अल्हम्दुलिल्लाह आपको आपके सामने स्लॉटर की हुई चीज़ मिल रही है। लेकिन महंगाई जो है वो ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड हर बंदे के ऊपर अफेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है वहाँ पे है, हर जगह पे है। आज का जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, बट अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और ये आपको आई होप आज का व्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, और आप यहाँ पर इस तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं और यहाँ की जो मोर एक्टिविटीज़ है उसको डिस्कवर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आई विल ट्राई टू गो टू दैट प्लेसेस एंड ट्राई टू फाइंड मोर अबाउट दैट प्लेसेस आल्सो, सो विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। देखने वालों को पता चले कि यहाँ पे रहन सहन का तरीका, यहाँ पे डेली एक्टिविटीज़ जो लोगों की हैं वो किस तरह की हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टिल देन अल्लाह।